एफएमसीजी कंपनी अदानी विल्मर ने बासमती चावल के जाने माने ब्रांड कोहिनूर को खरीद लिया है। कंपनी ने इस सौदे की कुल रकम का खुलासा नहीं किया है। इस अधिग्रहण के बाद अदानी विल्मर को कोहिनूर ब्रांड के साथ रेडी टू कुक और रेडी टू ईट पोर्टफोलियो के एक्सक्लूसिव राइट्स मिल जाएंगे। कंपनी के सीईओ अंशु मलिक का कहना है कि फॉर्च्यून परिवार में कोहिनूर ब्रांड को भी शामिल करना बहुत खुशी की बात है। कोहिनूर एक ऐसी ब्रांड है जो हर भारतीय को पसंद है। इस अधिग्रहण के साथ हम अपने पोर्टफोलियो का विस्तार कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पैकेज फूड ब्रांडिंग सेगमेंट फिलहाल पेनिट्रेशन कम दिख रही है वहां पर, और आगे इसमें ग्रोथ की पूरी संभावनाएं नजर आ रही हैं। अब एक और अहम खबर की, LIC IPO को एंकर इन्वेस्टर से जबरदस्त रिस्पांस मिला है। कंपनी की एंकर बुक ओवर सब्सक्राइब हो गई है। एंकर इन्वेस्टर से LIC ने 5,627 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं। इस खबर की और डिटेल्स के साथ हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकुर बताएं। जी हाँ, LIC IPO का एंकर बुक अलॉटमेंट हो गया है और 5.9 करोड़ शेयर्स को 123 इन्वेस्टर्स को एलोकेट कर दिया गया है। जो प्राइस पे एलोकेट हुआ है वो है 949 प्रति शेयर, जो कि IPO के प्राइस बैंड की अपर लिमिट है। इसके अलावा इंटरेस्टिंग थिंग यहाँ पर ये है कि जो IPO कमिटी की मीटिंग हुई थी 2 मई को, उन्होंने डिसाइड किया है कि 71% शेयर्स वो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स को एलोकेट होंगे। इसमें अगर हम बड़े नाम देखें तो SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड को 9.22% शेयर मिला है। सिमिलरली SBI बैलेंस एडवांटेज फंड को 3.64% शेयर मिला है एंकर बुक कोटे में। इसी तरीके से ICICI प्रोडेंशियल ब्लू चिप फंड को 2.13% शेयर्स एलोकेट हुए हैं एंकर बुक कोटे में, और HDFC ट्रस्टी कंपनी HDFC फ्लेक्सी कैप फंड को भी 1.78% एलोकेशन है। अगर हम ग्लोबल प्लेयर्स की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल, मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर, इन सब को एलोकेशन हुआ है एंकर बुक कोटे में। अब देखने वाली चीज ये होगी कि IPO है जो वो 4 मई से रिटेल निवेशकों के लिए और बाकी बड़े निवेशकों के लिए खुल रहा है, तो क्या जो इंथुजियाज्म जो एंकर बुक कोटे में रहा है वो बाकी इन्वेस्टर्स भी कैरी करेंगे या नहीं। बिल्कुल अंकुर, बहुत शुक्रिया आपका इस IPO से जुड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट हम तक पहुंचाने के।